एक मोहतरमा व्लॉगर की पेड वीडियो देख के मेरा बहुत दिल ललचाया कि मैं भी विंटेज रेस्टोरेंट के मुख्तलिफ आइटम ट्राई करूं, और मैं पहुंच गया एक बार फिर सिंधी मुस्लिम चौरंगी पर अपना लग आजमाने के लिए। बात करें जगह की तो इनका माहौल बहुत ग्लूमी था, बहुत ही खामोशी भरा माहौल था, बहुत ही सन्नाटा था। और जब हमने इनसे ऑर्डर करने के लिए मेन्यू मांगा तो इन्होंने हमें एक क्यूआर कोड पेश करा, जिसको देख के हमने इनसे रिक्वेस्ट करी कि वाईफाई दिया जाए ताकि हम उसको स्कैन करें, तो वेटर ने मना कर दिया बड़े प्यार से कि इनका नेट डाउन है। जिसको सुन के कुछ देर तक हमने रोमांटिक सा आई कॉन्टेक्ट बना के रखा, जिसको देख के मेरे दोस्त ने कहा कि भाई चलो यहाँ से, इससे पहले आप इसको किस करें। तो हम वहाँ से निकल के पहुँच गए रॉयल स्पाइस एंड आइस, जो मेन सिंधी मुस्लिम की चौरंगी पर है, जहाँ एक बार फिर हमारा कट गया क्योंकि हम फैमिली नहीं थे और फ्राइडे सैटरडे संडे सिर्फ फैमिली के लिए होते हैं और फैमिली सिर्फ एक लड़की हो सकती है। तो हमें एंट्री ना मिली, जिससे मायूस होकर हम पहुंचे हमारे जवानी के पॉइंट ईटोन पे, जो अपने सस्ते और मज़ेदार खानों की वजह से स्टूडेंट का फेवरेट फूड पॉइंट है। और उनके मेन्यू का बगौर जायजा देखने के बाद हमने, जिसमें फास्ट फूड, बारबेक्यू, चाइनीज सब था, हमने डिसाइड कर एक बारबेक्यू और एक चाउमीन की डील मंगवाने का, जिसमें 3 विंग्स थे। बात आती है टेस्ट की तो प्रोग्राम तो वर गया हमारा, क्योंकि दो जगह से रुसवा होके यहाँ आए और इन्होंने भी हमें बासी सा सैंडविच खिला दिया, जो बहुत ही हार्ड था खाने में, जीरो टेस्ट था, जीरो क्वालिटी, तो मतलब एकदम बकवास। बकवास को भी मैं नहीं कहूँगा क्योंकि बकवास की भी जो है बेहरमती हो रही है, तो इनको मैं देता हूँ 10 में से 0। फिर आया मेरा फेवरेट चाउमीन, जिसमें सोया सॉस के अलावा कुछ नहीं था, कोई फ्लेवर नहीं था, कोई टेस्ट नहीं था, कोई क्वालिटी नहीं थी, लेकिन इसमें कुछ एक्सपायर्ड चिकन थी, तो इसको मैं देता हूँ 10 में से -3। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप में से कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का बंदा है तो प्लीज़ एक बार इनके रेस्टोरेंट का इन्वेस्टिगेट करें और इनकी क्वालिटी चेक करें। आप लोग का शुक्रिया।